मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, पूर्वांचल वालों की आवाज को क्या हो गया है? दिल्ली में मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि मिर्जापुर में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी सहयोगी, यहां की लोकप्रिय सांसद, अपना दल की नेत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र श्री स्वतंत्र देव जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, रमाशंकर सिंह पटेल जी, श्रीमान राम सकल जी, यहाँ के स्थानीय विधायक पंडित रत्नाकर जी, श्रीमती बाचिस्मिता जी, अनुराग सिंह जी, राहुल प्रकाश जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु यहाँ पर पूरे मिर्जापुर से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, बहुत समय के बाद उत्तर प्रदेश में आया हूं मैं। कोरोना के कारण कार्यक्रमों पर बैन लग गया, उत्तर प्रदेश में आना जाना कम हो गया, मगर जब आता हूं तब लगता है कि मेरे ही घर में आया हूं, ऐसा हमेशा लगता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2013 से 2017 तक और बाद में 17 से 19 तक उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर घूमने का सौभाग्य मां विंध्यवासिनी ने मुझे दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं की फौज के साथ मिलकर पोस्टर लगाने से लेकर मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियों को आयोजित करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। और मित्रों, यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2014 में पूर्ण बहुमत की पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की। यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है सर्वाधिक सीटों के साथ देश भर में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। और यही उत्तर प्रदेश है जिसको यश जाता है 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। और इसीलिए मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद बनकर देश की संसद में जाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश वालों की अपेक्षा क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जरूरियात क्या है। मोदी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और मित्रों, आप ही के आशीर्वाद का परिणाम है कि 2014 और 2019 में जो पूर्ण बहुमत आपने दिया, आज मैं गर्व से बता रहा हूं कि हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हम सब हुआ करते थे, तब से विचारते थे, आंदोलन करते थे, जुलूस निकालते थे, कार सेवा में आते थे, कई लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, कई पीढ़ियों तक संघर्ष 550 साल से चालू रहा कि अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। और आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मोदी जी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की स्थापना की और कुछ ही समय में देखते देखते देखते
आकाश को छूने वाला रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने की शुरुआत हो जाए। पहले कुंभ को रोकने की बातें होती थी, यही उत्तर प्रदेश था, कुंभ होता था, कई लोग गिर कर मर जाते थे, अव्यवस्थाएं होती थी। आज योगी जी की सरकार बनी है। मैं मेरे जीवन काल में गत कुंभ के अलावे सब कुंभ में गया, जब से समझ आया सब कुंभ में गया हूं, प्रयागराज के कुंभ जैसी व्यवस्था मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। बहुत छोटा था तब दादाजी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे, लेकर आए थे, समझ भी नहीं थी मैं कहां आया हूं। बड़ा हुआ फिर भी आता रहा, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना अनेक अनेक बार आया, मन उदास हो जाता था बाबा का दरबार देखकर। मगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे जीते जी बाबा का भव्य दरबार देखने का सौभाग्य हम सबको मिलने वाला है। भगवान काशी विश्वनाथ ये ज्योतिर्लिंग अपनी शान के हिसाब से, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से, इसके महिमा के हिसाब से नया बन रहा है। अब किसी को मां गंगा का जल लेकर बाबा पर अभिषेक करना है तो घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार का निर्माण की शुरुआत, ब्रज तीर्थ का विकास हो, चित्रकूट धाम हो, या अयोध्या में भव्य दीपोत्सव महोत्सव करना, हर परंपरा को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पुनर्जीवित कर लोगों की बरसों जूनी इच्छा की प्रतिपूर्ति की है। लोगों के मन में कई बार होता था, ये सरकार किसकी, क्यों हमारी नहीं सुनती, क्यों हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं होता, क्यों मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने हैं तो बहनों को जाने में तकलीफ पड़े, इतनी भीड़ के बीच में से जाना पड़ता है, क्यों यहां भव्य कॉरिडोर नहीं बनता है, क्यों त्रिकोण परिक्रमा करने के लिए जिनकी वय हो गई है उनके लिए रोप वे की व्यवस्था नहीं है, यात्रा अधूरी रह जाती थी। 60 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, तीनों माँ का दर्शन नहीं हो पाता था क्योंकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। आज माँ विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोप वे का लोकार्पण भी आज हुआ है। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े माँ बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। अरे व्यवस्था है, मैं पूछना चाहता हूं जो शासन में थे, भाई क्यों राम मंदिर नहीं बना जरा बताओ तो, क्यों व्रज के विकास के लिए बोर्ड नहीं बना, क्यों चित्रकूट धाम जहां भगवान श्री राम 11 साल से ज्यादा समय रहे उसके विकास के लिए बोर्ड क्यों नहीं बना, क्यों मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर नहीं हुआ, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति से डरते थे, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति से नहीं डरती है। ये सारे विकास के जो काम हो रहे हैं आज, विशेषकर विंध्यवासिनी के शरण में मैं भी आया हूं, हमारे सारे नेता भी आए हैं, माँ विंध्यवासिनी रामायण के समय से लोगों के कष्ट काटती है। कहते हैं अगस्त्य जी ने विंध्य को नमाने की ताकत यहीं से प्राप्त की, माँ विंध्यवासिनी को ही महिषासुर मर्दनी कहते हैं, माँ विंध्यवासिनी को कई लोग कृष्ण की बहन भी मानते हैं, और ये सब श्रद्धा की अभिव्यक्ति आज बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, इस प्रकार की व्यवस्था। ये माँ जो यहाँ विराजमान है उसमें चारों वेदों का वास है, ब्रह्म मुहूर्त में माँ का बाल स्वरूप का दर्शन होता है, मध्यान्ह में युवा स्वरूप का दर्शन होता है, शाम में माँ प्रौढ़ स्वरूप में दिखती है, और चौथे रूप में शाम देर रात को वृद्ध स्वरूप में दिखाई पड़ती है। आज मैं
मध्याह्न में दर्शन कर कर आया हूँ। कहते हैं जो मध्याह्न में विद्यावासिनी की प्रार्थना करता है उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, और मैंने वहां पर उत्तर प्रदेश के सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए मन से माँ विंध्यवासिनी को मैं प्रार्थना कर कर आया हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी इसके मुखिया बने, ढेर सारे काम हुए, और आज यहां पर मंदिर पराकोट का निर्माण, परिक्रमा पथ का निर्माण, रोड व मैग्नेट मेन गेट की व्यवस्थाएं, मंदिर के गलियों के फसाद ट्रीटमेंट का कार्यक्रम, माँ विंध्यवासिनी को आने जाने वालों को जोड़ने का रोड जोड़ने का कार्यक्रम, विंध्याचल मेरा परिक्षेत्र में पार्किंग, शॉपिंग सेंटर, कई प्रकार की व्यवस्थाएं आज यहाँ पर शुरू होने जा रही है। मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं कि सभी वयस्क यात्रियों को, देश भर के यात्रियों को आपने जो ये आज रोपवे बनाया है वो किसी श्रवण को कावड़ उठाने की जरूरियात नहीं रहेगी, वो अपने माँ बाप को लेकर यात्रा करा पाएगा। मित्रों, जब से मोदी जी की सरकार बनी, गरीबों पिछड़ों दलितों आदिवासियों के लिए इस सरकार ने ढेर सारा, अभी बहन अनुप्रिया ने कहा मोदी जी ने अभी बहुत बड़ा एक फैसला लिया है, देश में जितनी भी स्नातक और अनुस्नातक MBBS MD और MS की सीटें थी वो सभी केंद्र कोटा की 25% सीटों के अंदर, OBC के लिए 27% और गरीबों के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की। हमेशा OBC मतदाताओं के पिछड़ों के वोट लेकर राज करने वाली कांग्रेस और स्थानीय पार्टियां कभी इसके कल्याण के लिए काम नहीं, मोदी जी ने उनके लिए आयोग बनाने की बात करी, मोदी जी आज इनके लिए रिजर्वेशन भी ला रहे हैं, और अन्य बिना आरक्षित जातियों के गरीब बच्चों के लिए भी 10% रिजर्वेशन की शुरुआत की। मोदी जी ने इस देश के समग्र जनता जो 18 साल से ऊपर की आयु है उसको मुफ्त में कोरोना का टीका देने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की, और जून महीने से दीपावली तक, अक्टूबर तक 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की योजना भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। मैं मानता हूं इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, कोरोना के कारण ढेर सारी परेशानियां हुई है, और इसका एक सरल रास्ता था कि देश की 80 करोड़ जनता को 6 माह तक मुफ्त में राशन देकर उन पर उनका बोझ कम कर दिया जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 4 साल पूरे किए, और मैं साच अर्थ में कहता हूं, मेरी पार्टी के मुख्यमंत्री है इसलिए नहीं, हमारे चुनाव घोषणा पत्र को पूरा पढ़कर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करकर चुन चुन कर एक एक वादे को पूरा करने का काम श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। 5,50,270 करोड़ का बजट रखा है योगी जी ने, $1 trillion की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, और मुझे विश्वास है आपका आशीर्वाद फिर से मिलने वाला है, और मोदी जी की 5 trillion का लक्ष्य भी पूरा होगा, और योगी जी का $1 trillion इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होने वाला है। और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें से 44 योजनाएं ऐसी है जिसके क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सब सरकारों में देश भर में नंबर वन है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोरोना की 2 लहरें आई, 22 करोड़ से ज्यादा आबादी,
पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी रखने वाला है उत्तर प्रदेश। योगी जी ने परिश्रम, मेहनत, सूझबूझ और अपनी वहीवटी क्षमता का, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत का परिचय कराते हुए जो कोरोना प्रबंधन किया, उत्तर प्रदेश को उन्होंने लगभग लगभग कोरोना मुक्त करने का काम किया। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन यहीं पर हुए और सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी यहीं पर हुए। सबसे ज्यादा बेड का निर्माण यहीं पर हुआ है। 1,80,000 कोविड बेड की उपलब्धता करी। 541 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम चल रहा है। 194 बन गए हैं। बच्चों के लिए निशुल्क दवाई किट देने का काम किया और निराश्रित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। और उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लिखा था, हर 2 जिले के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अखिलेश जी हमारी मखौल उड़ाते थे, कहां से बनाएंगे। अखिलेश जी अभी तो 4 साल हुए हैं, मैं हिसाब देता हूं आपको, आप 10 छोड़कर गए थे, 40 की व्यवस्था योगी जी ने कर दी है, हमारी वादा पूरा हो रहा है। मित्रों, केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज घोषित किया है मोदी जी के निर्णय के बाद, उसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को होने वाला है। मित्रों, आज यूपी मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है और लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भूमि पर उतारने का काम भी उत्तर प्रदेश ने किया है। और ये माफिया जो घूमते थे या नहीं घूमते थे, बताओ भाई, घूमते थे या नहीं घूमते थे, जोर से बोलो, घूमते थे या नहीं घूमते थे। कोई दिखाई पड़ता है क्या, हिम्मत है किसी की? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश को भू माफियाओं से मुक्ति दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को सुरक्षित रूप से जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने दिया है। और 4 साल के अंदर योगी जी ने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये पूर्वांचल कब से राह देखता था कि कोई आए और पूर्वांचल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उद्धार करे। मित्रों, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 साल के अंदर, 8 एयरपोर्ट संचालित हैं, 13 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, 7 हवाई पट्टियां बन रही हैं, 141 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अंतिम चरण में है, 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रगति पर है, 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस, इसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कार्य प्रगति पर है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, 14,160 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा कराया गया है और 14,935 किलोमीटर सड़कों को नया बनाया है, जिसमें 519 छोटे बड़े पुलों का निर्माण किया है। अखिलेश भाई, आप और बुआ जी दोनों 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ, 15 साल में आधा भी किया है तो यूपी की जनता आपको माफ कर देगी जितना योगी जी ने 4 साल के अंदर किया है। मित्रों, विकास को स्ट्रक्चर तरीके से कैसे जमीन पर उतारा जाता रहा है, इसका उदाहरण योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के सामने रखा है। डिफेंस कॉरिडोर आया है, ये मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र नक्सली जिले गिने जाते हैं। अभी अभी मैंने रिव्यू करा है और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तीनों
नक्सलवाद के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो चुके हैं। नक्सलवाद को भी समाप्त किया गया है। 1574 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई है और लूट, डकैती, हत्या ये सब में 50% से लेकर 28% की कमी दर्ज की गई। मित्रों, ये तभी होता है कि इसके पीछे कोई पवित्रता से लगे, अपनी जाति की नहीं देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने परिवार का नहीं देखा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखा जाता है तो 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता का ही देखा जाता है और किसी का विकास नहीं, विचार नहीं होता है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 32,500 करोड़ रुपया दिया, लगभग 78 लाख किसानों से 78,000 करोड़ का धान और गेहूं खरीदा गया, 20 चीनी मिलों का आधुनिकरण किया गया, लगभग 30 लाख से ज्यादा गरीबों के आवास बनाए गए, 2,61,00,000 शौचालय बनाकर माताओं बहनों के सम्मान को बढ़ाया गया, सौभाग्य योजना में 1,24,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, 1,47,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, योगी जी ने इसको नीचे तक पहुंचा है। मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को काम करने की ताकत देता है। आपका जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, देश के 135 करोड़ की जनता के लिए है। आपका जो आशीर्वाद मिलता है देश के 80 करोड़ गरीबों को मिलता है। आपका आशीर्वाद जो मिलता है वो कितनी छोटी कुमारिकाओं, बच्चियों को मिलता है जिनको एक सुरक्षित माहौल पूरा करने का काम करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में आशीर्वाद दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया, मैं बरोबर यही था, सब अटकलें लगाते थे। कांग्रेस और सपा इकट्ठा हो गए, सपा बसपा और कांग्रेस सब इकट्ठा हो गए, मगर आप नहीं डिगे। आपका आशीर्वाद बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। मुझे भरोसा है 2022 में भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को जरूर मिलेगा और अभी से भी प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाकर यूपी की सेवा के लिए कटिबद्ध हो। मित्रों, ब्रह्मर्षि सर्वंग और महर्षि अगस्त्य की ये भूमि के अंदर आज मुझे भी मौका मिला है माँ विंध्यवासिनी का धाम का जो पूरा परिदृश्य बदलने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गया है, इसमें हिस्सा लेने का। मैं इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का आभारी हूँ और आप सब का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतनी बारिश की संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की, अरे जोर से बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय